हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने साउथ अमेरिका की फिजिकल मैपिंग की थी। आई एम श्योर आप सब लोगों ने उसको फॉलो किया होगा और अपने प्रैक्टिस मैप्स भी बना लिए होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं बनाए हैं वो प्लीज़ अपने साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल और फिजिकल मैप्स बना लीजिए, अपने साथ रख लीजिए। ये एग्ज़ाम्स में आपको बहुत मदद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास। टुडे वील बी स्टडिंग अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका। आज हम लोग साउथ अमेरिका के फिजिकल एस्पेक्ट्स की स्टडी करेंगे। सो द साउथ अमेरिका इज डिवाइडेड इंटू फोर फिजिकल डिविजन्स। पूरे के पूरे साउथ अमेरिका महाद्वीप को हम चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। ये जो विभाजन है ये इस प्रकार है। नंबर वन इज एंडीज माउंटेन्स, एंडीज पर्वत श्रृंखला। नंबर टू इज ईस्टर्न हाईलैंड्स, उच्च भूमि। नंबर थ्री इज मिडिल लोलैंड्स, मध्यवर्ती निम्न भूमि। एंड नंबर फोर इज कोस्टल प्लेन्स, यानी कि तटवर्ती प्रदेश। इस स्लाइड में हम लोग जो हमारा फर्स्ट फिजिकल डिवीजन है एंडीज माउंटेन्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो बी रेडी विद योर एटलस एंड लेट्स बिगिन। दिस इज द स्लाइड ऑफ साउथ अमेरिका विच इज डिस्प्लेइंग ऑल दी मेजर फिजिकल डिविजन्स। ये एक जनरल फिजिकल मैप है साउथ अमेरिका का, जिसमें हम मोटे तौर पर सभी फिजिकल डिविजन्स देख सकते हैं। जैसे कि हियर वी हैव एंडीज माउंटेन्स, दीज आर दी ब्राजीलियन हाईलैंड्स। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं रिवर बेसन एरिया, इन्हीं को हम मिडिल लोलैंड्स या मध्यवर्ती निम्न प्रदेश के नाम से जाते हैं। एंड देन वी हैव दीज कोस्टल रीजन्स या फिर तटीय प्रदेश। आप लोगों ने जो फिजिकल मैपिंग करी थी उसमें आप काफ़ी सारा इनके बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब जब आप फिजियोग्राफी पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से उनको लोकेट भी कर पाएंगे। नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ साउथ अमेरिका विच इज़ अ सैटेलाइट इमेज। अब इस सैटेलाइट इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये उठे हुए भाग पूरा का पूरा लंबा पोर्शन एंडीज माउंटेन्स का है। ये पठारी भाग हैं जो ऊंचे हैं, देर आर हाई बट देर आर नॉट एज हाई एज एंडीज माउंटेन्स। ये उठे हुए टेबल लैंड हैं, हाईलैंड हैं, पर ये पर्वतों के बराबर ऊंचे नहीं हैं। और इन पर्वतों और हाईलैंड के बीच में जो ये क्षेत्र है रिवर बेसन का, इसको हम लोलैंड कहते हैं। तो ये जो इमेज है ये मैंने इसलिए डाला है ताकि आप एक नज़र में इन्हें देख सकें और देख के ही आप जितने भी भौतिक विभाग हैं साउथ अमेरिका के, उनको एक नज़र में पहचान सकें कि कहाँ पर्वत हैं, कहाँ पठार हैं और कहाँ निम्न भूमियाँ हैं। So the first physical division of South America is the Andes Mountains. Andes Mountains are characterized by world's longest continental mountain range. अगर हम विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो वो Atlantic Ridge है, जो कि Atlantic महासागर के तली में पाई जाती है, फ्लोर में पाई जाती है। बट अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो सबसे लंबी कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है, दैट इज एंडीज माउंटेन रेंज। आप देख सकते हैं यहां से लेकर और पूरे नीचे तक इसका एक्सटेंशन है साउथ अमेरिका में। दैट मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैरिबियन सी एंड इट ट्रेवल्स थ्रू होल ऑफ द साउथ अमेरिका एंड इट फाइनली एंड्स एट केप हॉर्न। कल के फिजिकल मैप में हमने केप हॉर्न की भी बात करी थी, कैरिबियन सी की भी बात करी थी, तो आप इन सभी से फेमिलियर हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द एंडीज माउंटेन्स आर ऑल्सो नोन एज कॉर्डिलेरा। एंडीज माउंटेन को कॉर्डिलेरा भी कहा जाता है। इसे हिंदी में भी हम कॉर्डिलेरा के नाम से ही जानते हैं। कॉर्डिलेरा एक जोग्राफिकल टर्म है और इसका मतलब होता है अ कॉम्प्लेक्स माउंटेन सिस्टम। सो एंडीज इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स माउंटेन रेंज, देयरफॉर इट इज नोन एज कॉर्डिलेरा ऑफ एंडीज और सिंपली एज कॉर्डिलेरा। नाउ
The total length of Andes mountain range is 7,242 kilometers and it covers seven nations of South America. Its average altitude is 6,000 meter. ये जो सेवन कंट्रीज हैं ये हम कल के मैप में भी देख चुके हैं. लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन. द एंडीज माउंटेन स्टार्ट्स विद वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडोर, फ्लोज इन पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना. सो दीज आर द सेवन नेशंस जिसमें एंडीज का एक्सटेंशन है इन साउथ अमेरिका. एंड अगेन ऑल ऑफ यू नो द हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका इज माउंट अकांकागुआ जो कि चिली और अर्जेंटीना के बीच में लोकेटेड है. सो दिस इज माउंट अकांकागुआ. पूरे के पूरे एंडीज माउंटेन को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं. नंबर वन इज द नॉर्दर्न रेंज. नॉर्दर्न रेंज में जो एंडीज माउंटेन आते हैं उनका एक्सटेंशन है वेनेजुएला में, कोलंबिया में और इक्वेडोर में. तो ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग नॉर्दर्न एंडीज माउंटेन रेंज कहते हैं जिसमें अगेन तीन नेशंस हैं, वेनेजुएला, कोलंबिया एंड इक्वेडोर. नेक्स्ट इज द मिडल रेंज. दिस पोर्शन, इस पोर्शन में कवर होने वाले कंट्री हैं पेरू एंड बोलीविया. पेरू एंड बोलीविया. द लास्ट पार्ट इज द सदर्न रेंज. द पोर्शन इज हियर और इसमें जो कंट्रीज कवर होते हैं दैट इज चिली एंड अर्जेंटीना. सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ एंडीज. आपको आराम से अच्छे से याद हो जाएगा. ये इसका उत्तरी भाग है, ये इसका मध्यवर्ती भाग है तथा ये इसका दक्षिणी भाग है. नॉर्दर्न रेंज, मिडिल रेंज एंड द सदर्न रेंज. नाउ लेट्स फोकस ऑन द नॉर्दर्न रेंज. ये नॉर्दर्न रेंज का एक एक्सक्लूसिव मैप है, इसको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे. आप यहां ध्यान दें, अपने नॉर्दर्न पार्ट में ऊपर की तरफ एंडीज माउंटेन के छोटे छोटे तीन डिवीजन है, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री. ये तीन डिवीजन है, ठीक है, और इन तीनों डिविजन्स के अलग अलग नाम है और इसके ये जो तीन एक्सटेंशंस निकले हुए हैं ये नॉर्दर्न, पूरे के पूरे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एंडीज को कवर करते हैं. दिस इज वेरी वेरी क्लियर इन दिस इमेज. सो लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन दिस इमेज. नाउ सी, अभी हमने बात करी थी कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एंडीज आर डिवाइडेड इंटू थ्री रेंजेस और थ्री एक्सटेंशन. नंबर वन इज कॉर्डिलेरा ऑसिडेंटल, ये आप देख रहे हैं. नंबर टू इज कॉर्डिलेरा ओरिएंटल जो नीचे की तरफ है एंड नंबर थ्री इज कॉर्डिलेरा सेंट्रल, इसे हम कॉर्डिलेरा रियल के नाम से भी जानते हैं. सो नॉर्दर्न पार्ट में द एंडीज माउंटेन रेंज बाइफोगेट्स इनटू थ्री पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज नोन एज कॉर्डिलेरा ऑसिडेंटल, सेकेंड इज कॉर्डिलेरा सेंट्रल एंड द लास्ट वन इज कॉर्डिलेरा ओरिएंटल. हिंदी में इनके नाम इसी प्रकार से हैं. चलिए अब इनके और कुछ हम लोग स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं. यस, कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं यहाँ पर जिनको आपको ध्यान में रखना है. द नंबर वन इज पीको साइमन बोलिवर, ये एक इम्पॉर्टेंट पीक है जो आप देख सकते हैं यहाँ लोकेटेड है. दिस इज इम्पॉर्टेंट पीक. अनदर इम्पॉर्टेंट पीक इज नेवाडो डेल हुइला हियर. दिस इज लोकेटेड बिटवीन द कॉर्डिलेरा ऑसिडेंटल एंड कॉर्डिलेरा सेंट्रल. इन दोनों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट पीक लोकेटेड है. अनदर इम्पॉर्टेंट पीक इज द पीक टोलीमा, नेवाडो डेल टोलीमा.
इसका एलिवेशन है 5200 मीटर्स एंड दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्दर्न एंडीज. दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है. अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ नॉर्दर्न एंडीज इज द लेक मैराकाइबो. ये लेक मैराकाइबो जो है ये वेनेजुएला में लाई करती है. लेक मैराकाइबो इज अ टाइडल लेक, मतलब जब ज्वार आता है तो इस लेक में काफ़ी पानी भर जाता है और ये फ्रेश और ये दिस इज सपोज टू बी अ वेरी वेरी लार्ज लेक प्रेजेंट इन वेनेजुएला और इवन इन साउथ अमेरिका. और हम लोगों ने मैपिंग में बात भी करी थी, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज गल्फ ऑफ वेनेजुएला. सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्दर्न एंडीज. नॉर्दर्न एंडीज को आई एम अगेन रिवाइजिंग तीन में डिवाइड किया गया है, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, सेंट्रल एंड ओरिएंटल. इसमें कुछ पीक्स हैं और एक लेक है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है. द नेक्स्ट इज मिडल एंडीज जो कि पेरू और बोलीविया में सिचुएटेड है. ये देखिए, दिस इज पेरू एंड दिस इज बोलीविया. अब यहाँ आप ध्यान में रखेंगे, एंडीज माउंटेन रेंज यहाँ पे इस तरीके से है कि इधर माउंटेन्स हैं और आप यहाँ देखेंगे यहाँ माउंटेन्स हैं एंड दिस पोर्शन इन बिटवीन इज अ हाई टेबल लैंड और प्लेटू रीजन जिसको हम लोग प्लेटू ऑफ बोलीविया के नाम से भी जानते हैं या फिर एल्टी प्लानो के नाम से भी जानते हैं. आप इसका एक 3D इमेज देखिए, दिस वन. इन द मिडिल एंडीज रेंज एल्टीपिलानो इज अ स्ट्राइकिंग फीचर. जो मध्यवर्ती एंडीज रेंज है उसमें एल्टीपिलानो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. ये एल्टीपिलानो क्या है? एल्टीपिलानो इज नथिंग बट अनादर नेम फॉर प्लेटू ऑफ बोलीविया. बोलीवियन प्लेटू के लिए एल्टीपिनालो एक अलग टर्म दिया हुआ है. एल्टीपिनालो के इस साइड में भी एंडीज के माउंटेन रेंजेस हैं और इस साइड में भी एंडीज के माउंटेन रेंजेस है, आप देख सकते हैं. तो यहाँ माउंटेन्स और बीच में ये एक टेबल लैंड है जिसे हम कहते हैं एल्टीपिलानो या फिर प्लेटू ऑफ बोलीविया. अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज लेक टिटिकाका एंड लेक पोपो. नाउ टॉकिंग अबाउट लेक टिटिकाका, ये पेरू और बोलीविया के जो बॉर्डर है उस पे लाए करती है. एंड लेक टिटिकाका इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लोकेटेड फ्रेश वाटर लेक. ये मीठे पानी की झील है और ये विश्व में सबसे ऊंचाई पे पानी पाए जाने वाली मीठे पानी की झील है. ऑन दी अदर हैंड दिस लेक पोपो इज अ सलाइन वाटर लेक. ये जो लेक पोपू है ये खारे पानी की झील है. आप इसका एक और मैप देखिए, यस, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं दिस इज लेक टिटिकाका विच लाइज एट द बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलीविया. एंड ये है लेक पोपू जो कि पूरी तरीके से बोलीविया टेरिटरी में है. और ये आप देख सकते हैं दिस इज अल्टीप्लानो माउंटेन्स. यहाँ एंडीज माउंटेन्स है और इसके इधर भी एंडीज माउंटेन्स है. आप यहाँ एक स्ट्राइकिंग फीचर देख सकते हैं. हम लोगों ने जब साउथ अमेरिका की पॉलिटिकल मैपिंग करी थी तब हमने पढ़ा था द कैपिटल ऑफ बोलीविया इज ला पास. पर आप यहाँ देख सकते हैं ला पास के अलावा एक और ये प्लेस है सुक्रे जिसको भी कैपिटल की तरह सिग्निफाई किया हुआ है. सो नाउ व्हाट इज दिस? वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जिनमें एक से ज़्यादा कैपिटल है. बोलीविया इज वन ऑफ देम. बोलीविया में दो कैपिटल है, नंबर वन इज लापास एंड नंबर टू इज सुक्रे. बोलीविया इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स इन द वर्ल्ड विद टू कैपिटल्स. लापास इज द सीट ऑफ गवर्नमेंट विच मीन्स दैट इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, मतलब यह एक प्रशासनिक राजधानी है. जबकि सुक्रे इट इज अ लीगल कैपिटल और द सीट ऑफ जुडिशरी, मतलब ये एक लीगल कैपिटल है या जुडिशरी कैपिटल है, राइट? तो वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे नेशंस हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा कैपिटल है. सो ये आप ध्यान में रखेंगे. नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ एंडीज, द सदर्न एंडीज.
ये आप देख सकते हैं सदर्न एंडीज लाइज इन द रीजन ऑफ चिली एंड अर्जेंटीना। बोलीविया के बाद ये यहाँ चिली में शुरू होते हैं और अर्जेंटीना तक जाते हैं। दे एक्सटेंड अप टू स्टेटन आइलैंड, एकदम लास्ट पॉइंट है साउथ अमेरिका का स्टेटन आइलैंड, वहाँ तक इनका एक्सटेंशन है। एंड द एवरेज हाइट ऑफ सदर्न एंडीज इज 3660 meters। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडीज माउंटेन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एंडीज माउंटेन्स के नोट्स बना लें विद मैप्स एंड द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। बेस्ट विशेस टू ऑल।